नमस्कार, मैं स्वाति सिंह, आप देख रहे हैं भारत। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कुशीनगर में डॉक्टरों के मनमानी से महिला ने तोड़ा दम, सीएमओ ने उचित कार्रवाई करके दिए निर्देश। कुशीनगर में नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ ठगी, लोगों ने दर्ज कराई शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा जिले में प्रधानाचार्य ने छात्र को किया प्रताड़ित, अधिकारियों को दिया लिखित प्रार्थना पत्र, परिजनों ने की न्याय की मांग। डूंगरपुर में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत, एएसपी सहित सभी अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी श्रद्धांजलि। संसोलाब तराप परिसर में किया गया श्रमदान, अधिकारियों समेत कई लोगों थे शामिल, लगातार 2.5 घंटे किया गया श्रमदान। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए सवाल। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की पोस्ट, लिखा मां का प्यार है पपी उनका फेवरेट। सिद्धारमैया को मिला राहुल खड़गे का साथ, कांग्रेस ने एमयूडीए घोटाले को बताया कर्नाटक सरकार के खिलाफ साजिश। पुलिस भर्ती में एक तिहाई कैंडिडेट के नदारद रहने पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी राज में युवाओं का परीक्षा से उठा विश्वास। बांग्लादेश की मदद करने चला कंगाल पाकिस्तान, भारत विरोधी सरकार को अपने करीब लाने में लगे सहबाज, मदद के लिए मोहम्मद यूनुस को लिखा पत्र। मंकी पॉक्स ही नहीं, डेंगू से भी रहना होगा अलर्ट, साउथ के राज्यों के बाद देश भर में बढ़ रहा है प्रकोप, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। हाथरस में 12 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा, सालवर गिरोह पर खुफिया तंत्र की नजर, डीएमएसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। कन्नौज में यात्रियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल, चालक को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। लखनऊ में राज्यपाल ने अधिकारियों से की मुलाकात, 31 अधिकारियों से की बात, समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। ठेकेदार के मिलीभगत से हो रहा था पेड़ का कटान, पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को किया जब्त। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई उम्मीद, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर भारत निभाएगा भूमिका। टोंग के देवली उनियारा में हुई बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। डूंगरपुर में ब्लॉक स्तरीय प्रधानों ने दी 2 दिवसीय संगोष्ठी, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। गाजीपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एडीजी ने डीएम और एसपी का किया संयुक्त दौरा, जिले में बने 12 परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। करौली में कोर्ट के आदेश को लागू कर वंचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाए जाने की मांग, वाल्मीकि समाज ने जताई न्याय की उम्मीद। बीकानेर में पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी का मामला, लोगों ने किया प्रदर्शन, रामगिरी महाराज पर है अभद्र टिप्पणी का आरोप।
बीकानेर में विधायक जेठानंद व्यास का हुआ विरोध, भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे विधायक। राजस्थान के डिडवाना में 5 दिनों से युवती लापता, परिजनों ने डिडवाना थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, एसपी से लगाई गुहार। अलवर में खेत में दवा छिड़कने गई महिला ने किया जहरीली दवा का सेवन, मौके पर हुई महिला की मौत। केंद्र सरकार ने पूर्वी चंपारण वासी को दिया बड़ा तोहफा, 24 अगस्त से 26 सितंबर तक मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। पांच मिनट में 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एन भारत। नमस्कार।